सारे ना हाथ धो के अमेज़न के पीछे पड़ते हैं, कोई अदर मानव बच्चे के पीछे नहीं जाते। सो मैंने थोड़ी सी अपनी मानसिक चेंज की थी, मैं ईबे की तरफ गई, ईबे उठी। सर वहाँ पे अकाउंट तो मैंने बना लिया है, अब वहाँ पे इशू ये आ रहा है कि आप वन मंथ में 3 या 4 प्रोडक्ट्स का लिस्टिंग नहीं कर सकते। सर क्या हम VPN यूज करके अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, वो इनलीगल होगा या क्या है? तो सबसे पहले आपका जब नया अकाउंट होता है वो इतने ही अलाउ करता है, जैसे जैसे आप मैच्योर और आपकी सेल मैच्योर होती है फिर आपको मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड करने की अलाउ की जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि फेयर प्ले कीजिए, अभी आपको जो अलाउ है वही कीजिए, सिस्टम को चीट ना कीजिए बाय यूजिंग VPS एंड ऑल दिस, बिकॉज इसमें रिस्क लेवल ज़्यादा है। तो जो अभी अलाउ है उसी को कीजिए, और साथ साथ अगर आप अमेज़ॉन पर नहीं फोकस करें तो अपना स्टोर एक दफ़ा बनाइए पाकिस्तान में। पाकिस्तान की कॉमर्स मार्केट में 80 बिलियन रुपीज़ की ट्रांजेक्शन्स हुई हैं पिछले 8-9 महीने में, वो भी सर, वो सर, चीज़ मेरा अपना एक स्टोर है शॉपिफाई पे और मेरी अपनी एक वेबसाइट भी है ई कॉमर्स, लेकिन वो मुझे फिलहाल समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको मैनेज कैसे। उसको मैनेज आपने करना है जो जिसको फेसबुक एड्स आते हैं, राइट, यहाँ पे जो फेसबुक एड्स का एक्सपर्ट है, यहाँ नहीं है तो ग्रुप में से किसी को फाइंड करके उसको आप अपने साथ हायर कीजिए, पर सेल में उसके साथ प्रॉफिट शेयर कीजिए जो भी आपका आता है, उसको सोर्सिंग पे लगाइए और अपनी ई कॉमर्स की नीच पाकिस्तान में भी डेवलप कीजिए। बहुत सारे लोगों को डॉलर्स का जब नाम आता है तो वो ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपने अगर स्टोर बनाया तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से स्केल करें। मैं उसको पाकिस्तान में कैसे लेके जा सकती हूँ? देखें, यहाँ पर पाकिस्तान में किसी नीच को पकड़ लीजिए, बच्चों के टॉयज़ को पकड़ लीजिए, उसका स्टोर बना लीजिए, फैशन की चीज़ों को पकड़ लीजिए, बहुत सारी और चीज़ें, बैग्स को देख लीजिए। सोर्सिंग कहाँ से होगी? सोर्सिंग आपकी जो कि पाकिस्तान की होलसेल मार्केट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में शालमी है, कराची में सदर है, कहीं पर भी हर चीज़ पड़ी है। अब ये कहें जी मेरे पास टाइम नहीं है, तो यहाँ पर एक सेकेंड आप कहें जी मेरे पास टाइम नहीं है या मैं फील में लूँ तो मैं कैसे जाऊँगी, तो यहाँ पर किसी एक बंदे को कहें कि जी तुम होलसेल। सर एक्चुअली पिछले 5-6 सालों से मेरा शालमी से काफ़ी गहरा लिंक है, मैं काफ़ी वहाँ पे जाती रहती हूँ। शालमी का ये हाल है कि दिखाते गधा है देते घोड़ा है। नहीं नहीं देखिए, आपने पहले सिलेक्ट करनी है ना प्रोडक्ट को। सर आप जो मर्जी कर रहे हैं, उनके सर पे भी खड़े होके काम, ऐसा नहीं, वो एक वही बात है कि 100 में से अगर 5 लोग नहीं थी तो 95% आर डूइंग गुड वर्क, और उसमें बहुत सारे लोग आई नो पर्सनली आर डूइंग वेरी वेल। यहाँ पे आप किसी भी बंदे को हायर कर सकती हैं कि तुम वेंडर शालमी से या कहीं से भी लेकर आओ इस प्रोडक्ट के और उसको सेल करें आप। दूसरी एक बहुत बड़ा मॉडल पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, रिसेंटली सम ऑफ माई स्टूडेंट टोल्ड मी कि मैंने अपनी दुनिया अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सेल की है और वो उसकी वाइफ ने की है कि $3,000 का उसने बैग बेचा, राइट, और वो उसने $3,000 का बैग बेचा है UK की प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर कर यहाँ पर इंस्टाग्राम के पेज पर, और किसी ने रहीम यार खान से उसको ऑर्डर कर कर ऑर्डर प्लेस किया। तो व्हाट पीपल डू इज़ के आप UK या अमेरिका की प्रोडक्ट्स भी पाकिस्तान में बेच सकते हैं, वहाँ से ला कर यहाँ पर भी बेच सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको बाय करना चाहते हैं। सर जब आप ईबे पे काम कर रहे होते हैं तो जस्ट वन कंट्री में कर सकते हैं या कहीं भी? नहीं, अकाउंट तो कहीं भी बना सकते हैं आप, लेकिन अगर आपका US में अकाउंट है तो आपको और UK में भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। जी जी, लिमिटेड कंपनी इज रिकमेंडेड, और इस वक्त ईबे की जो सेल है वो अमेज़ॉन से ज़्यादा है UK में, ये भी देखिएगा स्टैट्स कभी। सर एक ये भी था कि शॉपिफाई पे एक और काम भी है, स्टोर बना के सेल कर सकते हैं क्लाइंट्स को। बहुत सारी और चीजें हैं, बट यस आई वुड से यस यू कैन, मतलब यस। अच्छा, ये देखा आप लोगों ने जो ये लड़के खड़े हैं और यंग, इनके क्वेश्चंस देखें और आप देखें जो के अभी तक सोच रहे हैं क्या करना है। See what she is doing, it's very good way she, ये वही question पूछ सकता है जो practically चीज़ें काम कर रहा हो।